आर्यन खान को जमानत दिलवाएंगे लॉयर अमित देसाई। जानिए कौन है ये अमित देसाई। जी हां, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में जमानत याचिका 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। सीनियर वकील अमित देसाई ने सेशन कोर्ट में सोमवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनका पक्ष रखा। गौर मतलब है कि अमित देसाई ने साल 2002 में हुए हिट एंड रन मामले में सलमान खान का बचाव किया था और उन्हें बरी भी करवाया था। अब देखने वाली बात होगी कि अमित देसाई क्या आर्यन खान को जमानत दिलवा पाएंगे। हिट एंड रन केस में लोअर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की कठोर कार्रवाई की सुनवाई की थी, जिसको चुनौती देने के लिए अमित देसाई ने साल 2015 में सलमान खान को जमानत दिलाने के लिए उनका केस लड़ा था। सलमान खान को मई 2015 में 30,000 रुपए की राशि पर जमानत दे दी गई थी। सलमान खान का बचाव करते हुए अमित देसाई ने कहा था, जांच एजेंसी शराब और ड्राइविंग के आरोपों को स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने पर आमदा थी और गवाहों की गवाही को अभियोजन मामले के हिसाब बनाने के लिए गढ़ा गया था। 10 दिसंबर 2015 को सलमान खान को एक बार फिर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। इस बार भी अमित देसाई ने उनका केस लड़ा। आर्यन खान के मामले में भी उनकी जमानत याचिका से जुड़े वकील अमित देसाई ने कहा था, हम कोर्ट के हाथ में है, न्याय देखना है तो करना है। स्वीकार किया कि आर्यन खान पर कुछ भी नहीं मिला। एनसीबी ने पिछले हफ्ते जमानत की दलील दी थी, इसकी याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। मेरी स्वतंत्रता का पक्ष दांव पर लगा है। एनसीबी की ओर से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अधित चेतना ने सभी जमानत अर्जी का जवाब देने के लिए समय मांगा था और फैसला सुनाया गया कि आर्यन की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बताते चले कि इससे पहले सीनियर वकील सतीश मानसिंह ने कोर्ट में आर्यन खान की हिरासत का बचाव किया था। एनसीबी ने आर्यन खान की और हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और आर्यन खान को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल वह मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में है। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप से गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने आर्यन खान के साथ ही 7 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से ड्रग्स बरामद किए गए।